आज बनाते हैं कुछ हेल्दी और कुछ टेस्टी और शामिल करते हैं इसे अपनी डाइट में। तो चलिए, आज सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। बस सोच रही हूँ आज कुछ हेल्दी बनाया जाए जो बच्चों को पसंद भी आए और उनके लिए हेल्दी भी हो। तो यहाँ पर ले लिया मैंने इसे, लोबिया के बीज कहते हैं, कई जगह चवली कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। फ़िलहाल मैंने इसे ले लिया है और यहाँ पे ये इस मेज़रमेंट कप के हिसाब से मैं 1.5 कप ले रही हूँ, 1.5 कप से थोड़ा सा कम है। चलिए, अब इसे अच्छी तरह से मैं यहाँ धो लूँगी और धोने के बाद इसे मैं 4 से 6 घंटों के लिए भिगो दूँगी। इसे भिगोए हुए भी आप डायरेक्ट कुकर में बना सकते हो, लेकिन भिगोने के बाद बनाने से जब ये अच्छी तरह से पानी में सोख हो जाते हैं ना, तो ये अच्छी तरह से मतलब पक भी जाते हैं और डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। और ये हेल्दी तो है ही, काफ़ी गुणों से भरपूर है ये। तो मैं सजेस्ट करूँगी इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। चलिए, इसे मैं यहाँ रख दूँगी 4 से 6 घंटे के लिए। 4 से 6 घंटे का समय हो चुका था और लगभग लोबिया के बीज अच्छी तरह से फूल चुके थे, यानी देखिए अच्छी तरह से साइज में बड़े हो गए थे, दुगने हो गए थे। तो यहाँ कुकर में मैंने डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे डूब जाए। और यहाँ पर अब चढ़ाते हैं इसे गैस चूल्हे पर। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे जिससे इसका कलर अच्छा आ जाए और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाल देंगे, नमक बाद में भी ऐड करेंगे हम। और इसे 3 से 4 सीटियाँ आने तक अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब तक ये उबल रहा है ना, हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी में एक छोटा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी जो आगे आपको बताऊंगी। और इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और बच्चे बड़े जो भी अगर नापसंद करेंगे ना, तो वो अगर आप इस तरह से इसे बनाओगे तो डेफिनेटली ये सभी की फेवरेट भी हो जाने वाली है और हेल्दी तो है ही ये। और इसे आप लंच में, रात को, डिनर में आराम से बना सकते हो। चलिए, इसे राइस के साथ, आप रोटी के साथ, पराठों के साथ, पूरी के साथ सर्व भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं यहाँ पर चावल सॉरी मैं इसे राइस के साथ ही सर्व करूँगी। तो यहाँ पर एक प्याज को, 2 प्याज लिए थे मैंने, तो यहाँ पर मैं इसे बारीक बारीक एकदम फाइनली हाथ से ही मैंने चाकू से इसे कट किया है। और 2 टमाटर लिए हैं यहाँ पर और 2 से 3 हरी मिर्ची ले ली हैं। सभी को एकदम फाइनली चॉप करना, आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो। और बस चलिए, यहाँ लहसुन ले लिया था इस तरह से 12 से 14 कलियाँ, एक अदरक का टुकड़ा लिया 1 इंच का। और इसे यहाँ पर इस तरह से ना मैं क्रश कर लूँगी, यानी कूट लूँगी। अब चलते हैं, कढ़ाई गैस पर रखते हैं क्योंकि सभी तैयारियाँ कर ली है मैंने। तो यहाँ सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में मैंने, लगभग 1.5 बड़ा चम्मच। और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल से धुआं आने लगा था तो थोड़ा जीरा ऐड किया, थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। और ये प्याज जो बारीक कटा हुआ रखा था ना हमने, खूब सारा, यानी 2 मीडियम साइज के प्याज थे, थोड़ा सा करी पत्ता ऐड कर दिया। और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी कर लेना है, हाँ प्याज को एकदम गुलाबी कर लेना है। और उसी स्टेज तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे हमें फ्राई करना है। ये देखो प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, लहसुन अदरक कुटा हुआ मैंने यहाँ डाल दिया है। और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 मिनट, जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। बस कम से कम 2 से 3 मिनट का समय हो चुका था। तो अब सब्जी में एक अच्छा सा कलर लाने के लिए ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी पाउडर पहले भी ऐड किए, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहाँ और ऐड किया है। सब्जी मसाला ऐड किया 1 बड़ा चम्मच। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने ऐड किया है पाव भाजी मसाला। हाँ, पाव भाजी मसाला इस रेसिपी का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जिससे इस सब्जी का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं सभी। तो मसाले सूखे थे, जले नहीं, इसलिए 1 चम्मच पानी ऐड किया। उसके बाद अच्छी तरह से भून लिया था, गैस का फ्लेम लो किया था। और 2 मिनट भुनने के बाद ना टमाटर भी ऐड कर दिया यहीं पर। ये देखो बहुत ही सिंपल सब्जी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। कुकिंग में अगर आप बिगिनर्स हो ना, और अगर आप चाहते हो कि कुछ टेस्टी भी बन जाए, हेल्दी भी बन जाए और झटपट बन जाए, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। चलिए, टमाटर डाले थे, साथ ही यहाँ स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। नमक पहले ऐड किया था तो ध्यान से ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर टमाटर को अब अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है और इस टमाटर के मॉइस्चर से ही जो मसाले हैं ना, वो भी अच्छी तरह पक जाएंगे। और आप देखोगे ना, जैसे जैसे आप मसाले की ग्रेवी तैयार करोगे ना, उतनी अच्छी खुशबू आने लगती है ना। ये देखो मसाले अच्छी तरह से भुन गए थे। बस यहीं पर मैंने ऐड कर दिया था ये उबली हुई चवली जिसे लोबिया के बीज कहते हैं। चलिए, इसे ऐड कर दिया है मैंने, अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे।
हाँ आप इसे ग्रेवी जितनी आपको चाहिए, जितनी मीडियम कंसिस्टेंसी की, थिक कंसिस्टेंसी, उतना अपने हिसाब से आप रख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे ही इतनी ग्रेवी भी रख सकते हो, इसे लो फ्लेम पर आप आराम से 8 से 10 मिनट पका लो। मुझे थोड़ी पतली ग्रेवी यहाँ रख रही हूँ कि राइस के साथ सर्व करूँगी मैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने करीब 1.5 गिलास के करीब ऐड किया है। बस एक अच्छा सा उबाल आने का इंतज़ार किया मैंने, और इसके बाद मैंने इसे रख दिया है 12 से 14 मिनट धीमी आंच पे पकने के लिए, क्योंकि जितना पकेगा ना उतनी ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है। और सब्जी का कलर तो आप देख ही रहे हो। दूसरी तरफ चावल कुकर में चढ़ा दिया है मैंने, और ये देखो अच्छी तरह सब्जी उबल गई है। ये देखो कितनी टेस्टी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। और जिन लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना है ना, उन्हें भी आज ये सब्जी बहुत पसंद आई है। फिलहाल मैंने यहाँ बनाया, सभी ने काफ़ी पसंद किया है। तो तीखी लाल मिर्च ऐड नहीं की थी मैंने, यहाँ हरी मिर्च ऐड की है 2, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर दिया है, और हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। यानी टेस्टी ये रेसिपी है जो कि बच्चों को बड़ों को काफ़ी पसंद आई, काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी विटामिन प्रोटीन से भरपूर है, तो अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ बना लिया था चावल, गर्मा गर्म चावल के साथ। बस आज ये टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार है। ये देखो इसका टेक्सचर देखो, और इसकी ग्रेवी देखो, बस अमेजिंग। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, और खाने में ज़बरदस्त बनी थी। साथ में कुछ प्याज के लच्छे सर्व कर दिए हैं यहाँ पर। और इन्जॉय करते हैं आज का हमारा ये लंच ब्लॉग, यानी लंच की रेसिपी है। लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, इन्जॉय कीजिए गर्मा गर्म चावल के साथ। रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।